Oh everybody, this is Simba और साया तो आसपास घूम ही रहा है, पीछे स्नोई खड़ी है and welcome back to my channel. और आज मैं आपको लेकर जाऊंगा एक फिश मार्केट में. I'll tell you a story. मैं I don't eat fish और मेरे को थोड़ी सी उसकी ना स्मेल से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कभी कभार, पर now when I have him, ये साया, तो साया जो भाई साहब हैं हमारे, वो एलर्जिक है हर चीज से. मतलब एज इन उसको मैं चिकन नहीं दे सकता, उसको मैं और कुछ नहीं दे सकता. इनफैक्ट रोटी से भी उसको एलर्जी है. फिश ही सिर्फ एक लौता प्रोटीन है दैट ही कैन डाइजेस्ट प्रॉपरली. एंड यू गाइस माइट बी नोइंग कि डॉग सेमी कार्निवोर होते हैं, उनको नॉन वेज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो इसी वजह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू गो देयर. और एक्चुअली मैं फिश मार्केट ना किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया होता. बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो कि बहुत स्पेशल होती है, और बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो एक्वेरियम ट्रेड में यूज होती हैं. सो यस, लेट्स गो एंड आई विल टेक यू गाइस अलोंग. और बहुत सारी स्पीशीज हैं जो कि देखने के लिए मिलेंगी. आज हम एक नए नजरिए से देखेंगे सब कुछ. सो यस, लेट्स गो. दिस फिश मार्केट इज इन दिल्ली, और यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज इकट्ठे होकर फिशेज लाती हैं, खरीदती हैं, एंड दे यूजुअली सेलिब्रेट इट ऑल टुगेदर. सारे फेस्टिवल्स भी बहुत सारी कम्युनिटीज में मिक्स है, पर इंक्लाइन टुवर्ड्स कोलकाता. कोलकाता के काफी सारे लोग हैं यहाँ पर जो कि मछलियां में डील करते हैं, उनको सेल करते हैं. इसी वजह से काफी सारी स्पीशीज हैं जो कि कोलकाता में पसंद की जाती हैं, और यहाँ भी वो बहुत ज्यादा बिकती हैं. सही सवाल. ये भी बढ़िया यार, ये देखो ईल देखो, वेरी गुड. बाम बोलते हैं ना इसको. ये हिलसा, ये भी हिलसा, बढ़िया यार. वेरी इंटरेस्टिंग फिश कॉल्ड पाकू. जितने भी एक्वेरियम कीपर्स हैं यहाँ पर उनको सबको पता होगा, पर सबसे कमाल की बात है कि पाकू हमेशा फिश मार्केट में आपको मिल सकती है, और बहुत बड़े बड़े ह्यूज साइजेस की. पाकू की पहचान क्या होती है कि उसके दांत होते हैं बहुत बड़े, पिराना के यूजुअली ट्रायंगुलर दांत होते हैं, इसके थोड़े से अलग शेप के होते हैं, स्क्वायरिश अ लिटिल. पर हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ बीज खाती है. पाकू सिर्फ बीज खाती हैं, इसी वजह से उनके जॉज इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं. यू कैन सी अ लॉट ऑफ नाइफ फिशेज ऑल्सो देयर. जितनी भी, अगर थोड़ी सी भी बड़ी नाइफ फिश होती है, अगर आप मान लो इतनी बड़ी भी है, तब भी ना उसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है एक्वेरियम शॉप्स में. पर यू कैन सी फिश मार्केट में बिल्कुल ही अलग प्राइस होता है, और यूजुअली जो नाइफ फिश है दैट इज नॉट कंसिडर्ड एनी स्पेशल, उसको ज्यादा स्पेशल नहीं समझा जाता. तो इसलिए इतना ज्यादा प्राइस भी नहीं होता, पर एक्वेरियम हॉबी में तो कमाल ही हो जाता है. और क्या, मर जाए तो आलिया में काट देंगे फ्राई खाने फ्राई खाने यार. ये वाली थोड़ी सी अलग है, इसके पेट में अंडे हैं. शिट, ये ले. वो तो वो है. अरे अच्छा, टपकी भी नहीं है, घायल है. स्पॉटेड चना हम इसको बोलते हैं, स्पॉटेड चना. बढ़िया. अरे वाह यार, छोटी सी. ओके, मैं इनमें सबसे छोटी सी एक चूज करूँगा और मैं उसको अपने एक्वेरियम में डाल लूँगा. हाँ, ये भी लेने, तेरे पकड़ना. काफी सारी छोटी छोटी फिशेज लोग अलग करके बेचते हैं, तो उन्हीं छोटी फिशेज में एक थी टेंगरा. टेंगरा इज अ कैटफिश जो कि झुंड में शिकार करती हैं. वो झुंड में रहती हैं एंड दे लिटरली लुक वेरी गुड जब वो साथ में शिकार करते हैं. मैंने उनको रखा था काफी टाइम पहले, काफी ज्यादा टाइम हो गया इस बात को. आई श्योरली कॉट सम ऑल्सो, यमुना, गंगा और यही वाली सब फिशेज यहाँ पर आसपास थी. कभी कभार यहाँ पर शार्क्स और स्टिंगरेज भी दिख जाते हैं, बी इट फ्रेश वाटर और मरीन. मरीन होगी तो वो थोड़ी सी खराब होगी क्योंकि इट इज दिल्ली, पर हाँ, फ्रेश वाटर स्टिंगरेज यहाँ पर एक टाइम पे तो काफी ज्यादा दिखती थी. उसके बाद शायद से थोड़ा सा लीगल इश्यूज आ गए हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग. एंड ही इज ऑल जस्ट रोमिंग ऑल अराउंड अपना ये टॉय लेकर.
अब क्या होता है, बहुत सारे लोग टर्टल्स पालते हैं, तो जब वो टर्टल्स को उनको रियलाइज होता है कि ये इलीगल स्पीशीज है तो दे कॉन्टैक्ट अस, फिर देन वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि उसको रिहैबिलिटेट किया जाए या ऐसी किसी जगह रखा जाए जहां पर वो सेफ हो, उसका ध्यान रखा जाए. बीइंग कॉट एज अ पेट आल्सो एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वी नो दैट दे आर सीरियस स्कैवेंजर्स एंड देयरफॉर एवरीबॉडी शुड अंडरस्टैंड दैट दिस ब्यूटीफुल एनिमल इज एक्चुअली हेल्पिंग अस टू प्रोटेक्ट our river ecosystem, which actually gives not only life to thousands of people in its floodplain, but also provides safe drinking water to us. और इन सब चीजों में ध्यान रखते हुए, one of the major diet is fishes. कछुए मरी हुई मछलियों को जरूर खाते हैं पानी में. इसी वजह से मुझे छोटी छोटी फिशेज भी खरीदनी थी. जब मेरा शेल्टर हुआ करता था तो मैं बहुत सारी फिशेज यहाँ से लेकर जाया करता था. वन थिंग आई वाज काइंड ऑफ सरप्राइज टू सी, मतलब ड्राइड फिशेज तो बहुत नॉर्मल है बिकना, पर उसमें से एक फिश थी जो कि मरीन थी. आई डिडंट नो कि ना वो ऐसे इतना यूजुअली उसको बेचते हैं, बट या दे वर सेलिंग इट, और सिर्फ ऐसे 10-20 रुपए का एक पैकेट, उसमें काफी सारी फिशेज हैं, वेरी चीप. आई डिड नॉट नो ब्रो, क्योंकि हम तो फिशिंग करते हुए अगर एक मछली भी हमारे जाल में या कांटे में फंस जाती है तो हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, पर वहां पर तो 100 रुपए की तो मछली, इतनी बड़ी मछली मिल रही है, मतलब आई डोंट नो, उससे या तो पेट्रोल लग जाता है फिशिंग में. तो फिर वन गाय टोल्ड मी समथिंग वेरी वेरी गुड. जो मांगूर कैटफिश होती है, जो इन्वेजिव स्पीशीज है, उनमें से एक स्पेसिमेन था एल्बाइनो. एल्बाइनोज में क्या होता है, जो पिगमेंटेशन ऑन स्किन होता है वो नहीं होता, इस वजह से आंखें लाल लगती हैं, पूरी बॉडी वाइट होती है, रेडिश टेंट होता है. एंड आई कुड सी दैट फिश, और अगर उसी फिश को हम एक्वेरियम ट्रेड में अगर डालेंगे तो इट्स गोना बी गुड आई गेस. एक्वेरियम में तो काफी सुंदर लगेगी. हाँ, आप वापस नहीं छोड़ सकते, अगर आपने कभी भी मांगूर कैटफिश पकड़ी है तो प्लीज डू नॉट रिलीज देम. जब वो इतना भला मानस था, ही ऑल्सो गिफ्टेड मी वन फिश जिसे हम कवई बोलते हैं. कवई इज ऑल्सो नोन एज इंडियन क्लाइंबिंग पर्च. बहुत सारी अफवाहें हैं कि वो ऐसे ही कांटों से चढ़ते चढ़ते पेड़ पे चढ़ जाती हैं, पर दीज आर नॉट एक्चुअली अफवाह. उनके गिल्स में कांटे होते हैं, तो वो जो कांटे होते हैं उसको वो गड़ा कर थोड़े से ऊपर सर्फेस पे चले जाती हैं जब कोई शिकारी होता है पानी में. This is what they do. इसी वजह से उनको हाथ में ऐसे नहीं उठाना चाहिए क्योंकि उनके कांटे लग जाते हैं. जो एल्बाइनो कैटफिश हम लेकर आए हैं, इसको मैंने बाल्टी में तो डाल लिया है. लेट्स सी कि अब ये आई एम गोना गिव इट टू समबडी जो कि इसको एक्वेरियम में रखेगा, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड लुकिंग फिश आई वुड से. और इनके ना कांटे भी होते हैं तो उनका भी बड़ा ध्यान रखना होता है, तो एटलीस्ट अल्बाइनो होने की वजह से इसको इसकी जान तो बच गई. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिश अगर आप देखोगे तो, लाइक आई लव द कलर, इफ यू गोना सी, और साइज भी काफी अच्छा है क्योंकि इसको तो कोई मार के ही खा जाता ऑब्वियसली, बट एटलीस्ट यहाँ पर ये एक्वेरियम में जाकर थोड़ा सा खुश रहेगी, थोड़ा सा और बड़ी हो जाएगी, और क्या, काफ़ी हेल्दी है. और ये लोग तो नाली में भी रह लेते हैं, है ना, दे आर नोन टू बी द इनवेजिव स्पीशीज, तो इट्स गुड. एंड यस, दिस इज हाउ इट इज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपके पास है कुछ मुझे बताने के लिए तो प्लीज कॉमेंट दैट इन माई कॉमेंट सेक्शन बिलो. एंड यस, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू बी वाइल्ड.